अब ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं डालमिया भारत का, जो कि एक सीमेंट की कंपनी है। ओवरऑल स्टॉक अपट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन जोन स्टॉक के अंदर देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें बनती हुई दिखी हैमर कैंडल, राइट। हैमर कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो हैमर कैंडल के टॉप का ब्रेकआउट हुआ, वहां पे हमारी एंट्री हो गई। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। जो टारगेट था वो हमारा प्रीवियस हाई, यानी जहां से स्टॉक गिरा था वो हाई हमारा टारगेट था इसके अंदर, और टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अब या तो आप यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करो, रिमेनिंग क्वांटिटी को आप कैरी कर सकते हो। और मोस्टली अगर हम प्रीवियस कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहीं पे आपकी दो दिन बाद प्रीवियस जो एडिशनल बाइंग है या रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी आपकी एग्जिट हो जाती है।